शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। विगत करीब एक डेढ़ माह से अमरावती जिले में राज्य परिवहन निगम के चंद्र बाजार, दयापुर, परतवाड़ा व मोर्शी के आगारों में डीजल को लेकर जबरदस्त समस्या देखी जा रही है। आगारों में या तो डीजल ही उपलब्ध नहीं है या फिर यहां पर डीजल पंप बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से इन आगारों की बसों को डीजल भरवाने हेतु अमरावती के मध्यवर्ती बस थानक स्थित आगार में आना पड़ रहा है, जहाँ पर पहले ही अमरावती बस थानक की बसें डीजल भरवाने हेतु आगार के डीजल पंप पर कतार लगाकर खड़ी रहती हैं। वहीं अब अन्य आगारों की बसें भी यहाँ पर डीजल भरवाने हेतु पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से बस स्थानक में डीजल पंप की ओर जाने वाले रास्ते पर राज्य परिवहन निगम की बसों का भारी जमावड़ा देखा जाता है और यहां पर बसों की आवाजाही काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही है। इस बारे में की गई पड़ताल में पता चला है कि मोर्शी व दरियापुर के आगारों में विगत करीब एक माह से डीजल पंपों में तकनीकी दिक्कतें आई हुई हैं, जिन्हें अब तक सुधारा नहीं जा सका है। ऐसी ही कुछ दिक्कतें चांदूर बाजार व परतवाड़ा के आगार में भी हैं, जिसकी वजह से इन आगारों से छूटने वाली कई फेरियों को रद्द करना पड़ता है। इन आगारों से अमरावती की ओर जाने वाली बसों की टंकी फुल करवाने के बाद वापस पहुंचने पर उन्हें अन्य रूटों पर रवाना किया जाता है। वहीं दूसरी बसों को बारी बारी से अमरावती की फेरी पर भेजा जाता है। लेकिन इन सब के चक्कर में जहां इन आगारों से फेरियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, वहीं अमरावती बस डिपो के डीजल पंपों पर बसों की काफ़ी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मंडल न्यूज़ बुलेटिन ने इस बारे में अमरावती बस आगार का प्रत्यक्ष मुआयना करने के साथ ही यहाँ पर संबंधित अधिकारी के साथ बातचीत कर उनसे जानकारी ली। तर बाकीच्या आगारामध्ये जसं मोर्शी आगार झाला, दर्यापूर, परतवाडा आणि बडनेरा वगैरे आणि आमचा अमरावती एक आगार, तर इथच्या सगळ्या आगाराच्या ज्या बसेस आहेत त्या आता आमच्याच इथं डिझेल भरायला येतात, कारण की त्यांच्या इथे डिझेल आहे नाही, सध्या इथेच डिझेल भरत आहे। बस आजचं समजून घ्या, दोन दिवस झाले, दोन दिवसापासून नाही डिझेल। दर्यापूर डेपोमध्ये थोडासा डिझेल टँकचा प्रॉब्लेम आला होता, त्यांचा डिझेल जो टँक आहे त्याच्यामध्ये पाणी होतं, त्याच्यामुळे दोन महिने बंद होतं, तर आम्ही आमची इथून दिलं त्यांना। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय स्थित नियोजन भवन में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति की बैठक हुई। इस समय पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि जिला नियोजन में तय किए गए काम समय पर पूर्ण होने आवश्यक हैं। आगामी 14 फरवरी से पहले निधि के लिए परिपूर्ण नियोजन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्राप्त निधि से सभी काम समय पर पूर्ण करने की जवाबदारी संबंधित प्रशासन की होगी और यदि निधि अखर्चित रह गई तो इसके लिए संबंधित विभाग प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा। इस समय पालक मंत्री ठाकुर ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि विकास कामों के संदर्भ में जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर भी विचार किया जाए। साथ ही उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं, पगडंडी रास्तों, सौर ऊर्जा आदि प्रकल्पों के संदर्भ में भी आवश्यक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अमरावती जिले के आमझरी गांव को मैंगो विलेज के तौर पर विकसित किया जाएगा। जिला नियोजन समिति की बैठक के प्रारंभ में महावितरण की अमरावती परिमंडल की मुख्य अभियंता सुचित्रा गुर्जर ने कृषि पंप विद्युत कनेक्शन नीति 2020 के संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस योजना से जिले के 67% किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने बकाया बिलों की अदायगी में महावितरण की ओर से किसानों को दी जाने वाली कई तरह की राहत के बारे में भी जानकारी प्रस्तुत की। जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कामों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को वर्ष 2024 तक व्यक्तिगत नल कनेक्शन देते हुए रोजाना प्रति व्यक्ति 55 लीटर साफ और शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत अमरावती जिले के 1588 गांवों को 456621 नल कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही इस काम को निर्धारित समय के भीतर पूर्ण भी किया जाएगा। इस समीक्षा बैठक में विधायक देवेंद्र भुयार व बलवंत वानखड़े से जिलाधीश शैलेश नवाल तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमोल येडगे से संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। पांदन रस्ते आणि ते आपण कन्वर्जन मधून करण्याचा प्रयत्न आहेत। पांदन रस्ते हा ग्रामीण भागामधली अगदी अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे आणि त्या पांदनींमुळे ज्या खराब आहेत त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना किती त्रास होतो हे आम्ही सातत्याने बघतो आहे। तर जास्तीत जास्त फंड पांदन रस्त्यांवर कन्वर्जनच्या अनुषंगानं आणि आपण जे मॉडेल अमरावतीमध्ये बनवलेलं आहे आम्हाला असं अपेक्षित आहे की ते महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट देखील राबवेल,
कन्वर्जन मध्ये म्हणजे पांदन पालकमंत्री पांदन रस्ते, मग काही लोकांनी काही जिल्हा परिषदचा फंड मिळत असेल तर तो, किंवा काही आमदार फंड मिळत असेल तर तो, आणि मग MREGSचा फंड, असं आपण कन्वर्जनचं नियोजन केलेलं आहे. जास्तीत जास्त पांदनी या पुढच्या एक वर्षामध्ये झाल्या पाहिजे. हिसानी जिला सामान्य अस्पताल में राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ रविवार 31 जनवरी की सुबह हुआ. इसमें पालक मंत्री ठाकुर ने नियमित टीकाकरण के साथ ही महिलाओं व बच्चों के लिए प्रसूति पूर्व व प्रसूति पश्चात उत्तम आहार मिलने को आवश्यक बताते हुए सरकार की ओर से चलाई जा रही पोषाहार योजना की जानकारी दी. इस समय पालक मंत्री श्रीमती ठाकुर के हाथों कुछ बच्चों को पोलियो का डोज पिलाते हुए इस अभियान का शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे. वहीं अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ गाड़गे नगर स्थित गाड़गे बाबा समाधि मंदिर में विधायक सुलभा खोड़के द्वारा किया गया. इस समय विधायक सुलभा खोड़के ने मनपा के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि अमरावती शहर में 0 से 5 वर्ष आयु वाला कोई भी बच्चा इस पल्स पोलियो अभियान से छूटना नहीं चाहिए. विधायक सुलभा खोड़के के हाथों कई बच्चों को पल्स पोलियो की डोज पिलाते हुए अमरावती मनपा क्षेत्र में इस अभियान का शुभारंभ किया गया. अमरावती की शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को देश की राजधानी नई दिल्ली में भारत सरकार के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के हाथों कोविड वुमन वॉरियर द रियल हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया. महिला आयोग द्वारा कोरोना संक्रमण काल के दौरान बतौर कोरोना योद्धा काम करने वाली महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित करने हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके लिए अमरावती शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह का भी चयन किया गया था. विगत 30 मई 2016 को पुलगांव के आयुध डिपो में लगी आग को बुझाने में अमरावती के दमकल विभाग द्वारा बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी. इस बात के मद्देनजर महाराष्ट्र राज्य पुरानी पेंशन हक संगठन द्वारा विधायक सुलभा खोड़के के हाथों अमरावती के दमकल विभाग को सम्मानित किया गया. इस समय अमरावती दमकल विभाग के उपकेंद्र प्रमुख सैयद अकबर, प्रवीण राठौड़, मच्छिंद्र यादव, राजेंद्र लोनारे, गोविंद भुले व निखिल पाटिल सम्मानित किए गए. जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन की संकल्पना के तहत जिले के ग्रामीण इलाकों में स्थित 13 पुलिस थानों में स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाले सर्वसामान्य विद्यार्थियों के लिए आधुनिक सुविधा सहित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अभ्यासिका शुरू की गई है, जहाँ पर विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश देने के साथ ही परीक्षा की तैयारी हेतु उपयुक्त पुस्तकें वो मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाता है. इस आशय की जानकारी देने के साथ ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन ने बताया कि इस तरह का उपक्रम समूचे महाराष्ट्र में केवल अमरावती जिले में ही चलाया जा रहा है और यह जिले के लिहाज से बेहद गौरवपूर्ण बात है. जिले के दरियापुर निवासी कुलदीप पाटिल गावंडे को वर्ष 2010-2011 में एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जांच करने हेतु तत्कालीन पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कुलदीप गावंडे की पत्नी कंचनबाला गावंडे व उनकी दो बेटियों को पूछताछ हेतु रात के समय पुलिस थाने में बुलाया था, जिसकी शिकायत राज्य मानवाधिकार आयोग के पास भी की गई थी. इस अपील पर अंतिम सुनवाई करते हुए आयोग ने 5 अप्रैल 2017 को आदेश जारी किया था कि अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा कंचनबाला गावंडे व उनकी दो बेटियों को 1,00,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए. इस संदर्भ में एक पत्र 16 मार्च 2020 को शहर पुलिस आयुक्तालय को प्राप्त हुआ था, जिसके बाद 29 जनवरी 2021 को शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने कुलदीप गावंडे से संपर्क कर उन्हें 1,00,000 रुपये का धनादेश ले जाने हेतु कहा था. लेकिन अब कुलदीप गावंडे ने दावा किया है कि उन्हें वर्ष 2017 से अब तक इस राशि पर 12.5% का ब्याज भी मिलना चाहिए. ऐसे में अब यह देखने वाली बात होगी कुलदीप पाटिल गावंडे को ब्याज के साथ यह रकम कब तक मिल पाती है. इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहे युवक का नाम ईशांत सतीश दारोकार है, जो विगत दिनों अपने पिता के साथ नागपुर गया हुआ था और विगत 25 जनवरी से लापता है. इस युवक के परिजनों द्वारा उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और पता चला है कि 2-3 दिन पूर्व यह युवक इरविन चौक परिसर में देखा गया था. यदि किसी के पास इस युवक के संदर्भ में कोई जानकारी है तो इस बारे में मनपा पार्षद दिनेश बूब द्वारा संचालित इरविन चौक स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल से संपर्क कर जानकारी दी जा सकती है. जिले में रविवार 31 जनवरी को कोरोना के 128 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं. इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 21,877 पर जा पहुंची. रविवार को RT-PCR टेस्ट में 82 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 46 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. विगत 2-3 दिनों से कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की रफ्तार एक बार फिर जोर पकड़ती दिखाई दे रही है. वहीं रविवार को 122 कोविड संक्रमित मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला. जिले में अब तक 21,130 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं. साथ ही इस समय 181 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है.
वहीं मनपा क्षेत्र में 50 और ग्रामीण क्षेत्र में 109 असिम्प्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 340 है। इसके अलावा रविवार को कोरोना संक्रमण के चलते किसी मरीज की मौत नहीं हुई। हालांकि जिले में अब तक कुल 417 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। ब्राह्मणवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत नागरवाड़ी गांव में सदानंद पचारे नामक मजदूर ट्रक में संतरे के कैरेट भरने का काम कर रहा था। इस समय वह अचानक ही ट्रक से नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। पश्चात उसे तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में ट्रक चालक दीपक गोविंदनाथ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।